वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। संक्रमण काल के दौरान में राज्य मुख्यालय द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह का ये अभियान चलाया जा रहा है, आप अभियान में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला पदाधिकारी महोदय लगातार पहुँचे हुए हैं, लोगों के बीच में टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि आम लोग जरूरी हों और यहाँ टीका लें और टीकाकरण अभियान को जिस तरह से तेज करने की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं कि ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया में लगातार लोग हैं और इन लोगों को टीकाकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि 18 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग भी हों उन सभी लोगों को टीकाकरण किया जाए। सर, आपने टीका लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं लिया है सर। क्यों? अभी सर हम लोग तो बाहर ले आए सर, अभी टाइम। तो आपके सामने अभी जिला पदाधिकारी? हाँ हाँ सर, हमको मालूम है सर। आप लोग लेंगे टीका? हाँ सर, सभी लेगा तो लेंगे, हम लोग क्या करना जी। आपने टीका लिया है कोरोना का? क्यों, क्या करेगा टीका? हम निकल निकल ले टीका। क्यों सर? हाँ ये हम लोग तो ऐसे ही सही है तो टीका क्यों लेंगे सर, बताइए। टीकाकरण एक अभियान है, इस अभियान का पालन करना है और टीकाकरण कराना है। ना तो हम तो ऐसा ही सही है तो टीका का इसलिए लगा लेना होगा। हाँ जरूरी है सर। हाँ अगर टीका लेना होगा तो ले लेंगे सर, ऐसा क्या बात है। टीकाकरण अभियान बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में टीकाकरण अभियान के लिए अभी जिला पदाधिकारी महोदय जागरूकता के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं सामने में आप, जिला पदाधिकारी महोदय लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप टीका जरूर लें और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अभियान में जरूर भाग लें। टीकाकरण अभियान बहुत जरूरी है। लगातार स्लम एरिया में जिस तरह से जिला पदाधिकारी महोदय का ये काफिला भी जा रहा है और लोगों को जागरूक करना है, 18 प्लस और 45 प्लस के लोगों को, कि आप वैक्सीन जरूर लें। और लगातार वैक्सीन अभियान जो चल रहा है, उस वैक्सीन अभियान का ये एक जागरूकता अभियान के तहत जिला पदाधिकारी महोदय आज पहुँचे हुए हैं। बक्सर के विभिन्न स्लम एरिया में यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से जरूर टीका लेना है और टीकाकरण कराना ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। जी खुद ही बताइए ना, आप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए तो माता पिता को भी कहिए आपको ले लें, ठीक है? और अभी तो नहीं, दो तीन दिन में ही कहिए कि आपको ले लें। जी तो लगातार जिस तरह से अभियान ये चल रहा था, देख सकते हैं सर जागरूक हैं लोग। देखिए इसमें जो है एक अवेयरनेस का थोड़ा सा कमी लग रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासनिक रूप से भी जो है इनको पहुंचने में सभी लोग पहुंच नहीं पाए हैं, तो हम लोगों को जो है इनको पहुंचना भी पड़ेगा और अभियान उसी के लिए है कि हम लोगों तक पहुंचे, अपनी बातों को कह दें और फिर जो है उसमें से कुछ लोग ज़रूर अवेयर होंगे। जैसा कि अभी हम लोग जो बात किए हैं उसमें से लोग जो है वो टीका लेने के लिए इच्छुक हैं, अगर उनको हम रीच कर पा रहे हैं तो 45 प्लस 18 प्लस दोनों हाँ दोनों का हम लोग कराएंगे। टीका लेने के लिए सर जागरूकता अभियान पूरी अपने चरम पे है, जिले में चल रहा है और लगातार जागरूकता अभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से ये अभियान चल रहा है, टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है 45 प्लस 18 प्लस के लिए, देख सकते हैं क्या अभियान चल रहा है। अभियान के तहत तमाम पदाधिकारी आज बक्सर नगर परिषद इलाके में जहाँ 12 नंबर वार्ड में जिला अधिकारी पहुँचे हुए थे, वहीं 23 नंबर वार्ड में अभी पहुँचे हुए हैं SDM बक्सर और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देख रहे हैं आप ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मकान हैं और इन मकानों में जिस तरह से लोग रहते हैं, बावजूद इसके टीकाकरण अभियान के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पर बात की जा रही है, हमारे साथ हैं SDM बक्सर, जानते हैं कि क्या अभियान सर किस तरह से ये अभियान संचालित किया जा रहा है। अभी घर घर घूम के हम लोग ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग
18 प्लस के हैं या फिर 45 प्लस के हैं, सभी लोग अपना टीका जहां भी टीकाकरण का केंद्र है वहां जाकर ले लें। आज जैसे इस कॉलोनी में मध्य विद्यालय में बगल ही है 50 मीटर की दूरी पर, वहां टीका का कैंप लगा हुआ है, वहां जाकर टीका ले सकते हैं, ये हम लोग समझा रहे हैं। और आज जो लोग ले लें ले लें, नहीं तो लगातार रोज़ का रोज़ हर वार्ड में टीका का कैंप चल रहा है, वहाँ जाके अपना ले सकते हैं। बक्सर नगर के पौस इलाके में, नगर परिषद इलाके में तमाम पदाधिकारी आज सड़क पर हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या संदेश? सभी लोगों को यही समझाया जा रहा है कि टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है, और सभी लोग सुरक्षित टीके को जरूर जल्द से जल्द ले लें। यही सब पदाधिकारी निकले हुए हैं, 15 पदाधिकारी निकले हुए हैं, सब अलग अलग वार्डों में घूम रहे हैं, अलग अलग मोहल्ले में घूम रहे हैं, और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीका लग रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित है और लोग जल्द से जल्द टीका ले लें। टीकाकरण अभियान के तहत पदाधिकारी तमाम तरह के जागरूकता अभियान के साथ साथ इस वार्ड के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जरूर वैक्सीन लें, और 45 प्लस और 18 प्लस के जो लोग हैं उनको वैक्सीन के लिए ये लगातार अभियान चल रहा है। बबलू पद है कशिश न्यूज बक्सर। लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है। यह वाल्मीकि नगर गंडक बराज है, आप देख सकते हैं कि यह जो गंडक बराज है इसमें नेपाल से पानी आता है, जो नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रहा है, जिसके कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अभी वाल्मीकि गंडक बराज के 3600 फाया जो फाटक है उसको खोल दिया गया है, और यह जो पानी आप देख रहे हैं 408,000 क्यूसेक पानी अभी डिस्चार्ज है, जो अभी लगातार जो निचले इलाकों में यह गंडक नदी का पानी जा रहा है। यह पानी निचले इलाकों में पश्चिम चंपारण के सहित गोपालगंज के कई गांव में तबाही मचाएगा, वहाँ यह कहर बरपाएगा यह जो गंडक का पानी है। और बता दें कि जो पश्चिम चंपारण जिले का जो बगहा अनुमंडल क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन जो पहाड़ी नदियां हैं उसके पानी से भी लोग काफ़ी तबाही मचा रहा है। कई सैकड़ों गांव में जंगली नदियों का पानी पहुंच चुका है, जो पूरे तरह से कई गाँव गिर चुका है, संपर्क जो है टूट चुका है लोगों का। तो बता दें जो सरकार जो बाढ़ पूर्व जो सरकार की तैयारी की घोषणा की गई थी, यह बरसात में मात्र 3 दिन के बरसात में पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का जो दावा था वो पूरा खोखला साबित हो रहा है, और उन लोगों की पोल खोल दी है यह बरसात। राकेश कुमार सोनी कशिश न्यूज बगहा। बोधगया थाना क्षेत्र के टीका बिहार गाँव में एक वियतनामी महिला के बैग से 50,000 रुपये की चोरी कर ली गई। वियतनामी महिला बोधगया में कई महीनों से यहाँ रह रही थी, और लॉकडाउन में गरीब परिवारों को 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें अनाज देने का काम कर रही थी। घरेलू उपयोगी सामग्री गेहूँ चावल आटा और अन्य जो भी सामग्री होता है वो लॉकडाउन में जो गरीब परिवार है उन्हें खुद खुद वो महिलाएं दे रही थी, समाज सेवा के भावना से वो बोधगया में रह रही थी। जन्म भूमि पर बोधगया में विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जगह जगह पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई है, जबकि महाबोधि मंदिर और बोधगया थाने क्षेत्र के आसपास के इलाके में पुलिस गश्ती पर विशेष जोर दिया गया था कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होंगे, और उसके लिए पुलिस गश्ती के लिए पेंथर मोबाइल और अन्य पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती भी की गई थी। लेकिन बोधगया में आए दिन लूट चोरी के मामला बढ़ते ही जा रही है, और यह पहली घटना भी नहीं है कि जो विदेशी महिला का लूटपाट किया गया। जिस मकान में वो रह रही थी उस मकान में पुलिस घटनास्थल पर जाकर पूरे बारीकी से जांच करने में तो जुट गई है, लेकिन अब तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला है। जबकि बोधगया थाना क्षेत्र के दुमहान इलाका और अन्य इलाकों में चोरी करने का आतंक इतनी काफ़ी बढ़ गई थी, उसके बावजूद भी चोरों को चिन्हित भी कर लिया गया, लेकिन किसी चोर की गिरफ्तारी होने की खबर अब तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं की गई है। जबकि विदेशी के बैग से 50,000 रुपये की चोरी का ये मामला एक ऐसी घटना की ओर संकेत कर रही है कि आम जनता के साथ किस तरह के घटनाएं घट रही है। आखिर पुलिस का जो सिस्टम है पूरी तौर तरीके देखी जा रही है, उस पर जो सवाल उठ रही है कि आखिर पुलिस पदाधिकारी कब तक खामोश रहेगी,
हम लोगों की जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के वादे करने के लिए यह जिला जाना जाता था, लेकिन आज यह जिला के ज्ञान की भूमि हो गया में सुशासन की सरकार में देशी और विदेशी पटकों के साथ चोरी और लूटपाट का मामला कब तक चलता रहेगा। अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, अगर पुलिस की तफ्तीश सही दिशा में है तो अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। कटिहार में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो निश्चित तौर पर चौंका देने वाला है। लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर काम नहीं मिलने के कारण, रोजगार ठप हो जाने के कारण अपने प्रदेश लौटे हैं, उन मजदूरों को पेशेवर अपराधी जो अपराध की ट्रेनिंग देकर अपराध करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। जी हाँ, कल कटिहार के डनखोरा थाना क्षेत्र से एक अब्दुल कुमार उर्फ डकैत के नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जो मोटरसाइकिल लूट कांड को अंजाम देने वाला था। उसके खिलाफ जो है मुफस्सिल थाना में मामला भी दर्ज था। जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके पास एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया वो काफ़ी चौंका देने वाला खुलासा था। उसके अनुसार जो कटिहार के पेशेवर नामचीन अपराधी सलीम डॉन है, एक ग्रुप बनाकर एक ट्रेनिंग कैंप चलाता जिसमें अपराधियों जो मजदूर बाहर से आए हैं उन्हें अपराध करने की ट्रेनिंग देता है, और उन्हें ये भी बताता है, बाकायदा ट्रेनिंग कैंप में ये भी बताया जाता है कि पुलिस अगर उन्हें घेर ले तो किस तरह से बचा जा सकता है। सर, यहाँ एक अपराधी पकड़ाया गया है जो एक पिस्तौल और दो गोली के साथ पकड़ाया है, और यह मुफस्सिल थाना के लूटकांड में वांछित भी था, और इसने पुलिस से समक्ष अपना ये बात घटना स्वीकार किया और बताया। सलीम डॉन ने नशा गोली वोली खिलवाता था सर, बच्चा लोग के काम उम करवा था, गाड़ी उड़ी देता था सर सलीम डॉन, वही गाड़ी उड़ी देकर वही काम मोबाइल तो वल छिनवाता था, हथियार उतियार देता था, सब काम वही करवाता था सर। कितना पैसा देता था गाड़ी छीनने में? हमको तो 1 रुपया नहीं दिया सर। अच्छा। 1.5 साल के बाद बाहर से आए, 20 दिन हुआ बाहर से आने से सर हमको। तो मोहम्मद अब्दुल उर्फ डकैत ने जो खुलासा किया वो काफ़ी चौंका देने वाला है। हालांकि पुलिस अब्दुल को अब सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन अब जो है पुलिस जो अपराधी हैं जो ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर जो कटिहार अपने प्रदेश लौटे हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग दे रही है, उनके अकाउंट तक पहुंचने की बात करिए तो पुलिस सजग है और पुलिस की नज़र इन तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों पर है। निश्चित तौर पर कटिहार पुलिस की सजगता रंग लाई है और आने वाले समय में इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को पुलिस किसी भी सूरत में बख्शने के लिए तैयार नहीं है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।